तो आज हम ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, ओवरऑल लोकेशन। देखिए, ओवरऑल लोकेशन देखने से फायदा ये होता है, कई बार ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो उस समय हमें ओवरऑल लोकेशन में पता होती है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, तो उससे हम उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है वह इक्वेटर के साउदर्न साइड में है, ओके, और इससे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ऑस्ट्रेलिया की लगभग मिड से गुजरती है, ओके। ऑस्ट्रेलिया को लगभग दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। देखिए, यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो ऑस्ट्रेलिया को लगभग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इससे गुजरती है और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों में ये सिचुएटेड है, ओके। ऑस्ट्रेलिया है, देखिए, इंडियन ओशन में भी है इधर, और इधर पैसिफिक ओशन में है। तो आपको ये दे दे कि ये केवल पैसिफिक ओशन में नहीं, इंडियन ओशन में भी है और पैसिफिक ओशन में है। इसके अलावा हम न्यूजीलैंड को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे है ये न्यूजीलैंड, ओके, यह भी यह टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साउदर्न साइड में है, मतलब ये साउथ मोस्ट है। इसने न तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है न इक्वेटर गुजरती है, ओके, ये बिल्कुल साउदर्न साइड में है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया है वर्ल्ड का सेवन लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ओके। इसके अलावा इसे कॉन्टिनेंटल आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया देखिए सेवन प्रोविंस में डिवाइड है। कौन कौन से प्रोविंस है? देखिए, यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न साइड में, जिसकी कैपिटल है पर्थ। क्या कैपिटल है इसकी? पर्थ इसकी कैपिटल है। आपको लोकेशन इनकी ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है डार्विन। यहाँ देखिए ऊपर डार्विन इसकी कैपिटल है। फिर उसके बाद है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है और इसकी कैपिटल है एडिलेड, ओके, यहाँ पे इसकी कैपिटल है एडिलेड। उसके बाद बात करें क्वींसलैंड, क्वींसलैंड देखिए ये रहा क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। देखिए यहाँ पे है ये ब्रिस्बेन, जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है। फिर है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स है, इसकी कैपिटल है सिडनी। देखिए यहाँ पे है ये सिडनी, जस्ट कैनबरा के पास में, ओके, यह है सिडनी, इसकी कैपिटल है। फिर है विक्टोरिया, देखिए यहाँ पे है ये विक्टोरिया, और विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न, ओके। उसके बाद में देखिए यहाँ पे है तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल अलग है, तस्मानिया आइलैंड भी कहा जा सकता है इसे, इसकी कैपिटल है होबार्ट, ओके। तो इनकी कैपिटल भी हमने देख ली। अब ऑस्ट्रेलिया की क्या कैपिटल है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, कुछ साल पहले मुझे भी ये कंफ्यूजन था, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मानता था सिडनी, ओके, कुछ ये 2010 की बात है, मैं सिडनी मानता था, लेकिन मुझे कुछ उसके एक दो साल बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है, कैनबरा है, ओके। तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, ओके। इसके अलावा कौन कौन से सी हैं, ओशन है, उनको भी हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास। देखिए यहाँ पे इंडियन ओशन में है तिमोर सी, यहाँ ऊपर की साइड में है, देखिए तिमोर सी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे लिए, ठीक है, लोकेशन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कितनी बार क्वेश्चन इनके बारे में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है, इसकी लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, जस्ट ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में है ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, ओके। फिर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरियल रीफ है, ओके। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन ये है, और इसके जस्ट ईस्टर्न साइड में है ये कोरल सी, ओके, ये है कोरल सी। और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसे छोटी खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ओके, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, जो कहाँ पे है? जस्ट ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में है, ओके। इसके अलावा देखिए कुछ डेजर्ट भी है ऑस्ट्रेलिया में, कौन कौन से डेजर्ट हैं? देखिए यहाँ पे देखिए ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ओके। फिर यहाँ पे देखिए गिम्सन डेजर्ट है, इनकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गिम्सन डेजर्ट है। फिर जस्ट साउदर्न साइड में है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ओके। तो इन तीनों की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ लगाने के लिए हमें दिया जा सकता है, ओके। इसके अलावा एक छोटा सा सिटी है यहाँ पे इलाइंस स्प्रिंग, ठीक है, एलाइस स्प्रिंग यहाँ पे एक सिटी है, जहां से जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है एकदम मिड से गुजरता है, इस सिटी के एकदम मिड से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखना है, ओके। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ फिजिकल फीचर्स की। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन रेंज से, कौन कौन सी माउंटेन रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए सबसे पहले वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए वेस्टर्न साइड में यहाँ पे है डार्लिंग रेंज,
यहाँ पे डार्लिंग रेंज है, लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि डार्लिंग रेंज आपको ऑप्शन देते कि डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न साइड में है या ईस्टर्न साइड में है या साउथ वेस्टर्न साइड में है, तो उस समय ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी हो जाती है कि हमें ये पता रहे कि ये कौन सी साइड में है लोकेशन। तो डार्लिंग रेंज है वह साउथ वेस्टर्न साइड में है। इसके अलावा इसके पास में ही है, जस्ट देखिए यहाँ पे है स्टर्लिंग रेंज है, स्टर्लिंग माउंटेन रेंज है, और जस्ट इसके ऊपर वेस्टर्न साइड में है यहाँ पे कि हेमस्ले रेंज, जहां पे आयरन ओर है काफी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आयरन ओर की माइनिंग है यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। देखिए ये जो भी मिनरल्स हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनके लिए एक अलग से लेक्चर रख देंगे ताकि सारे कॉन्टिनेंट के जो भी मिनरल्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन कौन सी लोकेशन है उनकी, तो उनको हम एक साथ देख लेंगे। तो पहले ये सारे कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उनको लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जस्ट नॉर्दर्न साइड में है, देखिए किम्बरले प्लेटू, इसकी भी हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी साइड में ये पूछा जा सकता है, तो ये किम्बरले प्लेटू है। और उसके बाद में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन रेंज जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक भी है, वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसमें नहीं दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें मैप है उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। इसके देखिए, और यहाँ पे देखिए साउदर्न साइड में देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आल्पस रेंज है, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आल्पस रेंज है। ठीक है, जो साउदर्न साइड में है। इसके अलावा कुछ जो डेजर्ट है उनके बारे में देखिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, उसको हमने पहले भी देखा था। देखिए यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट है और यह ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, लेकिन इसमें एक और डेजर्ट है, देखिए यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट, देखिए यहाँ पे है सिम्पसन डेजर्ट जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन। ठीक है, तो देखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये तो नॉर्थ टू साउथ ही है। ठीक है, अगर इनके बारे में पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि इनको नॉर्थ से साउथ लगाइए। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ लेक भी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेक है लेक आयर, देखिए यहाँ पे लेक आयर है येरी। ठीक है, और भी लेक है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, उनको हम देखेंगे। देखिए लेक आयर है काफी इंपॉर्टेंट है, यह लोवेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का लेक आयर। और यहाँ की सबसे बड़ी लेक भी है, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक भी है। इसके अलावा देखिए जस्ट मिडल पॉइंट में, ऑस्ट्रेलिया के मिड पॉइंट में यहाँ पे देखिए मैकडोनल्ड रेंज है, यहाँ पे देखिए मैकडोनल्ड रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट मिड में है। मिड में है, काफी इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया के मिड पॉइंट में है। और यहाँ यहाँ जस्ट इसके ऊपर है तनामी डेजर्ट, देखिए यहाँ पे तनामी डेजर्ट है, वह भी ऑस्ट्रेलिया में ही है और कौन से नॉर्दर्न टेरिटरी रीजन में है। नॉर्दर्न टेरिटरी रीजन में है तनामी डेजर्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। और देखिए ये जो भी डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ये विक्टोरियन डेजर्ट, ये सब क्या है, ये सब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये सब है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके अलावा देखिए, हाँ अब और इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट सी है कौन कौन से है, देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे तिमोर सी है, तिमोर सी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जस्ट नॉर्दर्न साइड में है ऑस्ट्रेलिया के। और इस फिर इसके पास में देखिए यहाँ पे अराफुरा सी, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिए यहाँ पे केप योर्क पेनिनसुला, केप योर्क पेनिनसुला यहाँ पे एक माइंस का नाम है वाईपी, वाईपी माइंस है जहाँ पे जो बॉक्साइट का एक्सप्लोरेशन है काफी ज्यादा होता है, बॉक्साइट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है यहाँ पे केप योर्क पेनिनसुला में, उनको हम जब मिनरल्स लेंगे तो अलग से डिस्कस कर लेंगे। और ये ग्रेट बैरियर रीफ है, पहले देख चुके हैं इसको हम। देखिए इसके अलावा साउदर्न साइड में देखिए यहाँ पे जो तस्मान है, जो प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे देखिए देखिए तस्मान सी है इसके आसपास, देखिए ये है तस्मान सी। अब कुछ स्ट्रेट है उनकी भी बात, इस पे स्ट्रेट से पहले एक और गल्फ है ऑस्ट्रेलिया की, देखिए स्पेंसर गल्फ जो साउदर्न साइड में है, देखिए यहाँ पे है स्पेंसर गल्फ जो काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए इसकी साउदर्न साइड है इसकी लोकेशन, देखिए साउदर्न में है ये, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साउदर्न में है स्पेंसर गल्फ। तो ये आप याद रखिएगा, स्पेंसर गल्फ है वो साउदर्न में है, अराफुरा सी है वह नॉर्दर्न साइड में है, अराफुरा सी नॉर्दर्न साइड में है, और तस्मान सी है वह साउदर्न ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न साइड में। तस्मान सी है वो साउथ ईस्टर्न साइड में है, देखिए यहाँ पे। और इसके अलावा अब दो स्टेट है, इंपॉर्टेंट स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, कौन कौन सी स्टेट है, देखिए एक तो बास स्टेट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है बास स्टेट जो काफी इंपॉर्टेंट है।
जो तस्मान के तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड और विक्टोरिया के बीच, इसमें तस्मानिया के बीच में है बास स्टेट, ओके। इसके अलावा एक स्टेट और है, वो इस मैप में नहीं है, आगे वाले में उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है एक न्यू गिनी, एक आइलैंड है न्यू गिनी, जिसका कुछ पार्ट, देखिए ये आधा पार्ट है, देखिए यहां तक का ये आधा पार्ट है इंडोनेशिया में है, और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है पपुआ न्यू गिनी, वो एक अलग ऑटोनोमस स्टेट है, ओके। इसको हम आगे और भी देखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, शार्क बे, यहाँ पे शार्क बे है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में है, ओके। तो हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की ऑस्ट्रेलिया से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में हमने माउंटेन रेंज के बारे में देखा, डार्लिंग रेंज है, ठीक है, डार्लिंग रेंज है और हेमर्सले रेंज है, ओके। इसके बाद इसके अलावा ईस्टर्न साइड में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और जिसमें कुछ माउंटेन पीक है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और बे कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे साक बे है जो वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न और जो साउदर्न साइड में है गल्फ बे है, और ईस्टर्न साइड में है अराफुरा सी, ठीक है, और गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया जो यहाँ पे है, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, ओके। और किम्बल प्लेटू है, वो भी नॉर्दर्न साइड में है। तो इन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम देखा, और कुछ डेजर्ट है उनको हमने देखा, और दो स्ट्रेट है जिनमें से एक को तो हमने देख लिया, आगे हम एक और को देखेंगे। बास स्ट्रेट है, ये कहाँ पे है, तस्मानिया और मेनलैंड विक्टोरिया के बीच में है, ओके। कुछ माउंटेन रेंज है वो रह गई थी, उनको हम कवर कर लेते हैं। कौन कौन सी माउंटेन रेंज है उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू इंग्लैंड माउंटेन रेंज है, ओके, न्यू इंग्लैंड माउंटेन रेंज है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही है, ओके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है न्यू इंग्लैंड माउंटेन रेंज, ओके। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो हाइएस्ट पीक है, देखिए वो यहाँ पे है न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में है माउंट कोसियुस्को, ठीक है, यहाँ पे देखिए माउंट कोसियुस्को जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो हाइट है कितनी है, इसकी हाइट 2229 मीटर इसकी हाइट है, जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है, ओके। इसके अलावा एक गल्फ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पहले के मैप में नहीं थी, देखिए यहाँ पे है गल्फ ऑफ जोसेफ बेनापार्ट, ठीक है, जो जिसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे पे, ठीक है, पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ जोसेफ बेनापार्ट है कौन से आइलैंड में है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, ओके। और इसके अलावा देखिए अरम लैंड, देखिए यहाँ पे है ये अरम लैंड, अरम लैंड के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अरम लैंड कौन कौन से सी के बीच में है, ओके, देखिए यहाँ पे ये तिमोर सी है, ठीक है, यहाँ पे तिमोर सी है, और यहाँ पे अराफुरा सी, सॉरी गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है, ठीक है, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, तो गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया और तिमोर सी के बीच में है, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया और तिमोर सी के बीच में है अरम लैंड, ठीक है। आगे मैप में और आएगा तो हम और अच्छे से उसको देख लेंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। और इसके अलावा देखिए एक दो आइलैंड इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे कंगारू आइलैंड है जो स्पेंसर गल्फ में है, देखिए यहाँ पे स्पेंसर गल्फ है, यहाँ पे एक कंगारू आइलैंड है और एक किंग आइलैंड है, किंग आइलैंड दो जो तस्मानिया का पार्ट है, देखिए यहाँ पे है ये किंग आइलैंड, ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही थी, और सारी तो हमने पिछले मैप में कवर कर ली थी। इसके अलावा टोरस स्टेट है, देखिए यहाँ पे टोरस स्टेट है जो दो पपुआ न्यू गिनी के बीच में है, ये रहा पपुआ न्यू गिनी, और ये केप योर्क पेनिनसुला है, ये केप योर्क पेनिनसुला और पपुआ न्यू गिनी के बीच में है टोरस स्टेट, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक माउंटेन और रह गई है हमारी, माउंटेन पीक देखिए यहाँ पे है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही है, माउंट राउंड, ओके, माउंट राउंड है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही है, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लेक है, कुछ लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी लेक इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट आपको पूछा जा सकता है कि कौन से आइलैंड में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न आइलैंड में है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ओके, याद रखिएगा कहाँ डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट। इसके अलावा देखिए लेक ओस्टीन, यहाँ पे लेक ओस्टीन जस्ट इसके नीचे ही है लेक ओस्टीन, इसकी लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जस्ट इसके नीचे है लेक बर्फी, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये तीनों लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर नॉर्दर्न साइड में एक और लेक है लेक ग्रिगोरी, देखिए यहाँ पे लेक ग्रिगोरी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जस्ट इसके नीचे है एक लेक मेके,
ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों की लोकेशन इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा एक डेजर्ट हमने पहले कवर नहीं किया था, देखिए यहाँ पे है ये तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट ये कर भी लिया तो पता नहीं मुझे, लेकिन तनामी डेजर्ट की लोकेशन भी आपको याद रखिएगा। तनामी डेजर्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लोकेशन पूछी जा सकती है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि तनामी डेजर्ट है कौन से कंट्री में है। ओके और इसके अलावा साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में दो लेक इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी लेक है? देखिए एक तो ये लेक, लेक आयर तो है ही है, पहले ही देख लिया था। एक तो है लेक टोरस, देखिए यहाँ पे है ये लेक टोरस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेक टोरस सॉरी टोरेंस। और एक है लेक गेरिडनर, देखिए यहाँ पे है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में है ये लेक गेरिडनर, ठीक है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेक गेरिडनर, इसको हमने देख लिया। और दो रिवर है ऑस्ट्रेलिया की जिनकी लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, कौन कौन सी रिवर है? देखिए एक तो डार्लिंग, देखिए यहाँ पे है ये डार्लिंग रिवर, ओके डार्लिंग रिवर, और एक है मर्रे, देखिए यहाँ पे ये मर्रे रिवर, ओके तो दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इनकी लोकेशन हमने देख ली। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कोई भी लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी लोकेशन हमने कवर कर ली है। ओके इसके अलावा देखिए न्यूजीलैंड हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, देखिए न्यूजीलैंड दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो नॉर्दर्न आइलैंड, ये रहा नॉर्दर्न आइलैंड, और एक है साउदर्न आइलैंड, ठीक है ये साउथ आइलैंड, तो दो आइलैंड में डिवाइड है। साउथ आइलैंड में एक माउंटेन पीक है, क्या नाम है उसका? माउंट कुक, देखिए यहाँ पे है माउंट कुक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है माउंट कुक कहाँ पे है, तो यह साउदर्न आइलैंड न्यूजीलैंड में। ओके और नॉर्दर्न आइलैंड में भी एक माउंटेन इंपोर्टेंट है, कौन 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 सी है? माउंट टोंगारीरो, यहाँ पे है ये माउंट टोंगारीरो, ठीक है नॉर्दर्न आइलैंड में न्यूजीलैंड के, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन, वह नॉर्दर्न आइलैंड में ही है, देखिए यहाँ पे यह है न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन जो नॉर्दर्न आइलैंड में है। इसके अलावा दो स्टेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी स्टेट है? एक तो फोवियक्स, फोवियक्स इम्पोर्टेंट है, फोवियक्स स्टेट है जो स्टीवर्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में है, ओके स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में और साउथ आइलैंड के बीच में है ये फोविक्स स्टेट, ओके इसके अलावा एक कुक स्टेट है, कुक स्टेट है वह नॉर्दर्न आइलैंड और साउदर्न आइलैंड के बीच में है, न्यूजीलैंड के जो नॉर्दर्न आइलैंड है और साउदर्न आइलैंड के बीच में है कुक स्टेट, ओके इसके अलावा लेक भी इंपॉर्टेंट है कुछ, देखिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। देखिए लेक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखिए नॉर्दर्न आइलैंड में इंपॉर्टेंट है लेक टाउपो, लेक टाउपो देखिए यहाँ पे लेक टाउपो जो न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न आइलैंड में है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के साउदर्न आइलैंड में एक लेक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए लेक हविए, लेक हविए इंपॉर्टेंट है, देखिए लेक हविए, और इसके अलावा लेक वाउका, यहाँ पे देखिए लेक वाउका इंपॉर्टेंट है, लेक वाउका है जो साउदर्न आइलैंड में है न्यूजीलैंड के, और लेक हविया भी साउदर्न आइलैंड में है न्यूजीलैंड के, दोनों इंपोर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। इसके अलावा दो सिटी है न्यूजीलैंड की, कौन कौन सी सिटी है? देखिए एक तो ऑकलैंड सिटी है, देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न आइलैंड में है ऑकलैंड, और इसके जस्ट साउदर्न में है हैमिल्टन, ये भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है, ओके ऑकलैंड और हैमिल्टन दोनों हमारे लिए इंपोर्टेंट है। और जस्ट नॉर्दर्न आइलैंड में जैसे नॉर्दर्न साइड में देखिए एक है 90 मिलियन बीच, 90 माइल बीच, ओके 90 माइल बीच है वह न्यूजीलैंड में है उसके नॉर्दर्न आइलैंड में, ओके और एक है बे ऑफ आइलैंड, बे ऑफ आइलैंड भी देखिए यहाँ पे बे ऑफ आइलैंड जो भी नॉर्दर्न साइड में है न्यूजीलैंड के, ओके तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी न्यूजीलैंड की। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ईस्टर्न साइड में देखिए यहाँ पे पैसिफिक तस्मान सी है, ठीक है तो न्यूजीलैंड के ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न साइड में कौन सा सी है? तस्मान सी है, और न्यूजीलैंड है पैसिफिक ओशन और तस्मान सी के बीच में है, ओके हमें न्यू गिनी और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडोनेशिया के बारे में कवर करनी है, तो इसके लिए हम ओवरऑल मैप में उनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए जो ये रेड पार्ट दिख रहा है आपको मैप में, यह है पपुआ न्यू गिनी, ओके जो इसका वेस्टर्न पार्ट में है वह इंडोनेशिया का पार्ट है, ओके यह जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वह तो है इंडोनेशिया का, और जो इसका ये ईस्टर्न पार्ट है वह है जो रेड वाला वह है पपुआ न्यू गिनी जो ऑटोनोमस स्टेट है, ओके जब हम एशिया में इंडोनेशिया को कवर कर रहे थे तो हमने उसको अच्छे से नहीं कवर किया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई थी जैसे कि इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड का क्या नाम है, ठीक है तो उनका उनके बारे में पूछा जा सकता है कई बार। देखिए सबसे ऑस्ट्रेलिया के देखिए यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में देखिए सुमात्रा आइलैंड है, सबसे पहले सुमात्रा है, उसके बाद में यहाँ पे जावा,
उसके बाद में है जावा, फिर है यहाँ पे बाली, यहाँ पे है ये बाली आइलैंड है, और देखिए ये बोर्नियो है, देखिए यहाँ पे ये बोर्नियो है, देखिए ये बोर्नियो है जो ये इंडोनेशिया का ही है। ओके देखिए इंडोनेशिया का ही पार्ट है ये बोर्नियो यहाँ पे देखिए। और इसके बाद में देखिए सुलावेसी, ये सुलावेसी ही भी इंडोनेशिया का ही है। ओके फिर यहाँ पे मालुकू, मालुकू भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ओके फिर यहाँ पे इरियन जाया, ये इरियन जावा जाया आइलैंड भी है जो इसका पार्ट है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो देखिए सुमात्रा भी इंडोनेशिया का पार्ट है, इधर जावा भी इंडोनेशिया का पार्ट है, इधर फिर बाली भी इंडोनेशिया का पार्ट है, और फिर ऊपर की ओर यहाँ पे सुलावेसी, यहाँ पे मालुकू और इरानियन इरियन जाया, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इंडोनेशिया के बारे में, कभी पूछी जा सकती है। ओके लेकिन आपको ये याद रखना कि जो बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है, बोर्नियो, उसमें देखिए तीन पार्ट है। देखिए एक तो मलेशिया का पार्ट है, देखिए ऊपर की ओर मलेशिया का पार्ट है, और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी ब्रुनेई है, देखिए यहाँ पे ब्रुनेई है छोटा सा, मैंने पहले कवर किया था इसको, आपको पता होगा। और एक है बोर्नियो, ठीक है, इस आइलैंड में तीन है, एक तो मलेशिया है, एक ब्रुनेई अलग से है, और एक बोर्नियो है जो इंडोनेशिया का पार्ट है। ओके न्यू गिनी आइलैंड से रिलेटेड इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको हम कवर करना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यू गिनी आइलैंड के बारे में यह है, देखिए जो इसे ये येलो लाइन सेपरेट कर रही है, देखिए ये लाइन इसे सेपरेट कर रही है यहाँ पे न्यू गिनी आइलैंड में, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है यानी कि ये ईस्टर्न पार्ट, ये तो है इंडोनेशिया के पास, और जो इसका सॉरी वेस्टर्न पार्ट, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो तो है इंडोनेशिया के पास। ओके और जो ईस्टर्न पार्ट है इसका, ईस्टर्न पार्ट है वो पपुआ न्यू गिनी है, जो ऑटोनोमस स्टेट है एक, ओके जो इंडोनेशिया का पार्ट नहीं है, एक ऑटोनोमस स्टेट है, ये अलग आपको याद रखना है। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट पेनिनसुला है यहाँ पे, कौन कौन से पेनिनसुला है देखिए जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में, देखिए यहाँ पे एक है डोबेरोई पेनिनसुला। ओके डोबेरोई पेनिनसुला है जिसे बर्ड्स हेड पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। ओके और इसके ही साउदर्न साइड में यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉम्बे रोई पेनिनसुला, ठीक है, जो वेस्ट पपुआ में है, काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए, तो इनकी लोकेशन आप याद रखिएगा। ओके इसके अलावा देखिए पपुआ न्यू गिनी के वेस्टर्न साइड में, सॉरी साउदर्न साइड में यहाँ पे देखिए अराफुरा सी है, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए कोरल सी है, तो इनकी लोकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए फ्लेमिंगो बे है जस्ट इसके साउदर्न साइड में, पपुआ न्यू गिनी के साउदर्न साइड में यहाँ पे फ्लेमिंगो बे है। ओके ये है फ्लेमिंगो बे। ओके और एक बांडा सी है, बांडा सी, और बांडा सी में ही एक बांडा आइलैंड है जो इंडोनेशिया का है। ओके देखिए यहाँ पे है ये बांडा आइलैंड, ओके और यहाँ पे ही है ये बांडा सी, तो काफी इंपोर्टेंट है इनकी लोकेशन भी, देखिए यहाँ पे है बांडा सी और यहीं पे है बांडा आइलैंड, तो इनकी लोकेशन भी हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें पपुआ न्यू गिनी और न्यू गिनी आइलैंड में तो इतनी ही इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ओके जो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कोई न्यूज में रहता है, करंट न्यूज में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी एक्सट्रैक्ट करने को तो हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम चाहें तो 1 महीने पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, जो हमारे लिए जरूरत है हम उतना ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके इससे ज्यादा हमारे लिए कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उसको फिर रिवाइज नहीं कर पाएंगे, अगर रिवाइज नहीं किया तो हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है वो। ओके इसके अलावा देखिए दोस्तों पपुआ न्यू गिनी के कौन कौन पास कौन कौन से सी है उनको भी हमें देखना है, ठीक है, कौन कौन सी गल्फ है। देखिए एक तो टोरेंट स्टेट के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, टोरेंट स्टेट है जो केप योर्क पेनिनसुला और इसके बीच में है, पपुआ न्यू गिनी के बीच में, लेकिन ये कौन कौन से सी को जोड़ती है इसको हमने नहीं किया, ठीक है। देखिए ये अराफुरा सी और कोरल सी को कनेक्ट करती है, ठीक है, अराफुरा सी, देखिए यहाँ पे कोरल सी है और यहाँ पे ये अराफुरा सी है, तो इन दोनों को यह कनेक्ट करती है टोरस स्टेट। ओके इसके अलावा देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ पपुआ है, देखिए यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के पास में ही है गल्फ ऑफ पपुआ, ठीक है, तो लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इसके नॉर्दर्न साइड में देखिए यहाँ पे है हुओन गल्फ, हुओन गल्फ, ठीक है, इसकी भी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है हुओन लग गल्फ। ओके इस अब देखते हैं कौन कौन से सी यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे है बिस्मार्क सी, बिस्मार्क सी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन, फिर यहाँ पे देखिए सोलोमन सी,
इसकी लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोलोमन सी में देखिए सोलोमन आइलैंड भी है, इनकी लोकेशन हमने देख ली। और एक आइलैंड का नाम है टांगा आइलैंड, देखिए यहां पे है टांगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टांगा आइलैंड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए पैसिफिक ओशन के आइलैंड काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक ओशन के आइलैंड के लिए हम अलग से पैसिफिक ओशन के जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड है एक बार हम अलग लेक्चर में उनको डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो सेपरेट लेक्चर पढ़ा रहे। ओके, तो अभी तो हमने इनको जो पपुआ न्यू गिनी के आसपास है कौन से आइलैंड है, कौन से सी है, उनके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली। ओके दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक तो माउरीज ट्राइब्स, माउरीज ट्राइब है न्यूजीलैंड की है, देखिए माउरीज ट्राइब कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है, और ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है यहाँ के, न्यूजीलैंड के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, ठीक है, यहीं पे रह रहे हैं काफी सालों से ये न्यूजीलैंड में ही, ठीक है। इसके अलावा एक एबोरिजिन्स आइलैंड, सॉरी ट्राइब्स है, एबोरिजिन ट्राइब्स है, यह ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब है। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिनल नेटिव ट्राइब है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रह रही है काफी सालों से। और कहां कहां पे फाउंड की जाती है ऑस्ट्रेलिया में, देखिए क्विंसलैंड में है और नॉर्दर्न टेरिटरी में ऑस्ट्रेलिया की, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो क्विंसलैंड में पाई जाती है, नॉर्दर्न टेरिटरी में पाई जाती है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तीन प्रोविंस में ऑस्ट्रेलिया के यह ट्राइब्स पाई जाती है। इसके अलावा एक एस्किमो ट्राइब है जो ऑस्ट्रेलिया की तो नहीं है, लेकिन ये ट्राइब है साइबेरिया की, ठीक है, पहले हमने कवर नहीं की इसलिए मैंने इसमें डाल दिया इसको। एस्किमो ट्राइब है, वो टुंड्रा रीजन में पाई जाती है, टुंड्रा रीजन साइबेरिया का रीजन है, जो अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड वाला रीजन है, देखिए साइबेरिया अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड वाला रीजन है, वहां पे ये पाई जाती है। ओके, और यह विंटर सीजन में इग्लू में रहते हैं, ठीक है, इनका ये रहने का नाम है, ठीक है, जो रहने का जो हाउस है, ठीक है, उसी का नाम है, लिविंग हाउस का नाम है इग्लू, ठीक है, जो स्नो फॉल होता है उससे बचने के लिए ये इग्लू में रहते हैं विंटर में, तो काफी गर्म रहता है। ओके, ये तो इग्लू पूछा जा सकता है, इग्लू किन से रिलेटेड है या कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, तो एस्किमो से रिलेटेड है, और ये नेटिव टुंड्रा रीजन में रहते हैं, मतलब यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है यहाँ पे ओरिजिनल नेटिव ट्राइब्स है एस्किमो टुंड्रा रीजन की, साइबेरियन रीजन की, तो ठीक है काफी सालों से यहीं पे रह रहे हैं। ओके, तो दोस्तों इस डिस्कशन में इतना ही, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।